हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर मॉड इंस्टॉलेशन वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग GTA 5 के अंदर रेंज रोवर इंस्टॉल करने वाले हैं। ये देख सकते हो आपके सामने रेंज रोवर। आज हम इस गाड़ी को एड ऑन कार इंस्टॉल करने वाले हैं GTA 5 के अंदर। तो इसको फटाफट से डाउनलोड कर लेते हैं। ये देख सकते हो आप, ये एड ऑन है तो हम GTA 5 के अंदर सिंपली इंस्टॉल करेंगे आज इस वाली वीडियो में। तो फटाफट से इसको डाउनलोड करते हैं। और डाउनलोड किया, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने, कहाँ गई हमारी फाइल, थोड़ा सा वेट करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगी। देख सकते हो आप, ये हमारी जो फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद हम अपनी फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, विंडोज वाली फाइल को। उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम ओपन आईवी ओपन करेंगे। तो इस कब की ओपन आईवी की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपके पास ओपन आईवी नहीं है तो आप वहाँ जाके डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना। तो मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई, उसको एडिट मोड पर क्लिक करेंगे। एडिट मोड पर क्लिक करने के बाद हम जाएंगे मोड फोल्डर के अंदर, इस वाली फाइल को भी ओपन कर लेते हैं। और हम जाएंगे मोड फोल्डर के अंदर, ये देख सकते हो DLC वाली जो फाइल है हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। मोड के अंदर जाएंगे, अपडेट के अंदर 164 DLC पैक्स। और यहाँ देख सकते हो मैंने पहले भी एक कार इंस्टॉल की हुई है, तो हम इसको 18 व्हीलर को भी इंस्टॉल ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। सही है, तो ये हमारी ड्रैग एंड ड्रॉप हो चुकी है। आप इसका लिंकिंग का प्रोसेस करते हैं, बैक आ जाते हैं, वापसी बैक आ जाते हैं फुल्ली। तो वापसी हमने मोड के अंदर जाना है, अपडेट के अंदर जाना है, update.rpf कॉमन डाटा। उसके बाद हमने गेम कॉन्फ़िग वाली DLC लिस्ट को ओपन करना है। एडिट मोड पर राइट क्लिक करके आपका एडिट का बटन ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आपने इसको एडिट मोड पर क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपने ऐसे खुल जाएगा। उसके बाद आपने रीडमी वाली फाइल करनी है अपनी व्हीकल्स की। उसके अंदर आपको ये लाइन मिल जाएगी, आपने यहाँ से कॉपी करनी है ये लाइन को, और इस लाइन पे आके एंटर प्रेस करके यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। सेव पर क्लिक करके हमारे जो GTA 5 के अंदर कार जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। फटाफट से GTA 5 के अंदर चलते। तो गाइस, मैं देख सकता हूँ मैंने लिफ्ट मांगी थी इसे, तो ये मैंने बोला यार वो पीछे छोड़ दे, तो छोड़ने के लिए आ रहा है। रुकियो बस, यहाँ यहाँ लगे अबे हैं इसकी टाइमिंग कैसा बंद है गाइस। तो हम आ चुके हैं, अब यहाँ से हम जाएंगे मेन्यू ट्रेनर, दो बार एफ प्रेस करके। तो मेन्यू ट्रेनर के अंदर जाएंगे, वहाँ से जाके आपने व्हीकल्स स्पॉनर के अंदर आना है, व्हीकल्स ऑप्शंस, उसके अंदर स्पॉनर के अंदर। तो ये कहाँ जा रहा हूँ, सॉरी ये नहीं, व्हीकल्स के अंदर स्पॉनर में जाने के बाद सबसे नीचे आ जाना है, सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आने के बाद इनपुट मॉडल नेम, तो यहाँ हम लिखेंगे वही 18 व्हीलर, बदल गया 18 व्हीलर लिखना है। तो ये हमारा जो व्हीकल्स है वो आ चुका है, एड ऑन व्हीकल्स। देख सकते हो आप कितना ज़बरदस्त लग रहा है, फुल्ली अपडेटेड रेंज रोवर। तो आप इसको चला के भी देख सकते हो, हम भी देखते हैं चला के इसको, मस्त दिख रही है गाइस। देख सकते हो आप इसका शेप, वाओ ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से आप अपने GTA 5 के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये देख सकते हो, इसका इंटीरियर भी मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो इसके गेट खोलता हूँ मैं, इसके गेट सारे खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो, बल्कि मैं तो कैसे कर दूँ, पूरा सब खोल देता हूँ। मेन्यू ट्रेनर ओपन करके सारे डिग्गी मिग्गी व्हीकल ऑप्शन के अंदर आके हम व्हीकल कस्टम के अंदर आएंगे, डोर के अंदर आके आल डोर ओपन करेंगे। तो ये देख सकते अब बंद हो गया, दोबारा से आगे किसक। तो ये देख सकते हो आपके सामने क्या मस्त इंटीरियर है, ये इसका इंजन है, देख सकते हो आप फुल्ली अपडेटेड। ये देख सकते हो फुल रेंज और एकदम अपडेटेड वर्जन है इसका गाइस। तो इसको हम थोड़ा चला के भी देख लेते हैं, इसको बंद करते हैं हम डिग्गी मिक्की सी। तो ये देख सकते हो इंटीरियर यहाँ से, तो इसको हम बंद करते हैं। और आप देख सकते हो ये सनरूफ भी इसका कितना मस्त दिख रहा है, देख सकते हो आप।
गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, तो ये देख सकते हो आप। और मोर्स वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, और कमेंट्स भी करके बता देना आपको वीडियो कैसी लगी, अगर कोई भी डाउटफुल या कोई भी क्वेश्चन।